दोस्तों ये पंप का नाम है छोटू, लेकिन काम करेगा बहुत ही मोटू। यहाँ पे इस बाथरूम में पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा है, देख लीजिए दोस्तों। इसके ऊपर ठीक टैंक है, 1000 लीटर का टैंक बैठा हुआ है, लेकिन पानी शावर तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे इस पंप को मैं लगाने वाला हूँ। इसमें 2 बाथरूम है इस बंगलों में, लेकिन पानी का प्रेशर नीचे तो आ रहा है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों हाफ HP का ऑटोमेटिक पंप कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे आप देख लीजिए पंप वाला मोटर अलग आता है और उसके साथ में एक किट आता है, तो ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो मैं आप लोगों को लगा के बताऊंगा, आप लोगों को पानी भी चालू करके दिखाऊंगा, रन में इसका प्राइस भी आपको बता दूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए इसको फिट करने के लिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट टैंक जो है मेन लाइन से कनेक्ट करूंगा, और वहां से दोस्तों जो 2 बाथरूम में लाइन आया है उसमें यहाँ पे इसका इनलेट और आउटलेट यूज करूंगा। तो ये बाथरूम में जैसे मैं आपको पहले ही दिखाता हूँ, देख लीजिए दोस्तों बेसिन शावर और दोस्तों कमोड सबका सेम लाइन में, लेकिन शावर तक पानी बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे भी मैं आपको क्लास में दिखा रहा हूँ, पानी ना के बराबर आ रहा है, तो इसके वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका इनलेट में दोस्तों ऑलरेडी नॉन रिटर्न वाल्व दिया गया है पंप के साथ में। अब यहाँ पे ये जो लाइन है दोस्तों बॉल वाल्व के आगे पीछे, ये आप देख लीजिए डायरेक्ट टैंक से मुझे टी मारकर सबसे पहले इसमें इनलेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे टी मारना पड़ेगा और यहाँ पे भी टी मारना पड़ेगा, एक में इनलेट और एक में से आउटलेट मुझे ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों बारीकी से समझाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने लायक कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब मैं देख लीजिए दोस्तों 1.5 और 1 टी को मैं लगा देता हूँ दोनों साइड में, ये आप देख सकते हो। तो बीच में यहाँ पे इसका बॉल वाल्व रहेगा, बॉल वाल्व को बंद कर दूंगा दोस्तों, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इसको भी मैं नाप लेता हूँ और इसको दोस्तों अब लगा दूंगा। और ये बॉल कॉक पहले का दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो कोई भी एक साइड में सबसे पहले पुश कर देता हूँ, ये आप देख लीजिए। अब इसको खींचकर उधर साइड से मैं दोस्तों पुश कर दूंगा तो ये लग जाएगा, यहाँ पे ये लग गया है। तो इसमें से ये वाला और ये वाला एक दूसरे डायरेक्ट टैंक से पानी खींचेगा, यानी इनलेट, और उसके बाद में बॉल वाल्व के बाद में दूसरा एक आउटलेट। अब यहाँ पे इसमें MEBT और FEBT लगेगा दोस्तों 2, तो इसको भी मैं फटाफट लगा देता हूँ 1 इंच का, ये आप देख लीजिए। तो ये भी दोस्तों क्या है, ऑटोमेटिक काम करेगा, जैसे आप जितने में सेट करके रखोगे वहां पे मीटर कटा दिखेगा, उसके हिसाब से पानी जब आप यूज करोगे उतना ही चालू होगा, बाकी टाइम बंद रहेगा, ऑटोमेटिक ये कंट्रोल हो जाएगा इसमें एक किट के साथ में। अब यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों जितना नजदीक हो सके, जितना कम में मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करके बताऊंगा, तो सबसे पहले यूनियन के साथ में एल्बो को मैं फिट करूंगा ताकि पंप बाद में अलग हो जाए रिपेयर करने के लिए, ये आप देख लीजिए। तो इसको मैं पुश कर देता हूँ दोस्तों यूनियन के साथ में। अब यहाँ पे उसके बाद मैं बॉल वाल्व लगाऊंगा इसका पानी को बंद करने के लिए प्रेशर पंप का आउटलेट का। अब यहाँ पे मैं इसको 1 3 इंच का टुकड़ा में दोस्तों पाइप में और फिटिंग्स में सोल्यूशन देकर पुश कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे अब बॉल वाल्व मैं लगा दिया हूँ, उसके बाद में जितना बड़ा टुकड़ा था उसको भी मैं नाप लेता हूँ दोस्तों। ये जो कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए आउटलेट का, इसका आउटलेट को सबसे पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जितना बड़ा टुकड़ा था उसको मैं एल्बो में पुश कर देता हूँ, ये आप देख लीजिए। तो चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। यहाँ पे टुकड़ा लगाने के बाद में इसको पुश कर देता हूँ, आप यहाँ पे इसको भी मैं पुश कर दूंगा तो ये लग जाएगा। ये आप देख लीजिए इसका आउटलेट कनेक्शन हो चुका है एक बॉल वाल्व और एक यूनियन के साथ में। तो आपको बॉल वाल्व और यूनियन जरूर लगाना है, बाद में कभी भी प्रॉब्लम होता है तो वहां से दोस्तों आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए इसका इनलेट में मैं यूनियन और बॉल वाल्व लगा चुका हूँ, अब जितना बड़ा टुकड़ा था उसको काट कर यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा, ये आप देख लीजिए। और अंत में आप लोगों को पानी चालू करके बताऊंगा पहले कितना आ रहा था, अब ये पंप कैसे काम करता है इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे मैं यूनियन के साथ में इस बॉल वाल्व को पुश कर दूंगा, तो इनलेट और आउटलेट दोनों साइड में आप देख लीजिए बॉल वाल्व यूनियन हो गया है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से खुल कर रिपेयर के लिए आसानी से चला जाएगा ये वाला पंप। अब यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, ये आप देख लीजिए ये वाला आउटलेट और दोस्तों यहाँ पे इनलेट और बीच में एक बॉल वाल्व है वहां पे दोस्तों, वो बंद रहेगा ये वाला बॉल वाल्व। और ये पानी दोस्तों ऑटोमेटिक भी जाएगा, अगर पंप खराब भी हो जाता है फिर भी जितना रेगुलर आता था उतना पानी भी जाएगा दोस्तों बाईपास लाइन होकर। अब यहाँ पे मैं मोटर को चालू कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ये आप देख लीजिए
तो यहाँ से उसको डायरेक्टली ये जो लाइन जा रहा था वहां से मैं टी मार्कर ले चुका हूँ बॉल वाल्व के आगे इसका इनलेट को। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों 3 kg के ऊपर आएगा मोटर बंद हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बॉल वाल्व को बंद कर देता हूँ ताकि तुरंत ये काम करना चालू हो जाए इसका। ये आप देख लीजिए, अब ये 3 kg के ऊपर बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं बॉल वाल्व को मैं चालू करूंगा, यहाँ पे देख लीजिए इसका पानी धीरे धीरे यूज होगा। तो उसके बाद में दोस्तों ये 1 kg के नीचे जैसे आएगा फिर से चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पानी बाथरूम का चालू करके दिखाता हूँ, पहले कितना आता था अब आ रहा है दोस्तों, मतलब डबल से भी ज्यादा आ रहा है पानी, बहुत ही फास्ट आ रहा है, बेसिन के बाहर तक चलता है पानी, ये आप देख लीजिए। उसके बाद में ये वाला वाली मिक्सर को आप देख लीजिए, इसमें बिल्कुल भी शावर में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, यहाँ पर स्पॉट में भी बहुत ही कम आ रहा था। सब में पानी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पंप का दोस्तों नाम है किलोस्का ब्रांड का पंप है, इसका मॉडल नंबर है छोटू और ये 370 वाट का है, बहुत ही बिजली का बिल बहुत कम आएगा अगर आप इस पंप को लगाते हो।